अगर बारात हो और बारात में फ़ोटो ना लिया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर सभी जितने भी लोग हैं फैमिली मेंबर्स सभी लोग फोटोज़ ले रहे हैं। ये हमारे मामा जी हैं, ये मूछे बड़ी मूछे बड़ी खतरनाक है, क्या करें मूछों से, ऐसे ही है काले पीले मूछे हमारी। बारातों की जब फोटो खींच जाती तो एक ही सीन वहाँ पर एक ही पोज देखने को मिलती है, बस ये पोज रहेगी सभी की हर टाइम, कहीं भी किसी भी बारात में यही पोज देखने को ज़्यादा मिलती है। और कुछ लोग फिर बताने वाले भी होते हैं कि ऐसे खड़े रहना है, ऐसे खड़े रहना है। और कुछ लोग मतलब ऐसे इंतजार में रहते हैं कि काश हमको भी बोले, हमको भी बुलाए तो हम भी फोटो खींचेगा, लेकिन उनको बुलाते नहीं है कोई भी, जैसा जैसे हम। और इनकी कहीं पहुंचती होती है, ये कारीगर हुए, खाना वाना बनाने का काम होता है, कहाँ फोटो खींचवाएंगे। पकौड़ी बनाने वाले हैं, पकौड़ी तलने वाले ये हैं हमारे जीजा जी। अच्छी पकौड़ी बनाते दोस्त, क्या कर रहे हैं, सादा ही ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल टोपी चम्मच घुमाने वाले दिखने के बड़े मासूम होते हैं हमारे सयाने। पर ऐसे हमारे चाचा हमारे सयाने और बारातों में फिर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते हैं। इसके दांत देखो कितने जबरदस्त दिख रहे हैं, ये दांत दिखाना जरा अपने, ये कौन सा वाला दंत मंजन करती है ये चीची। और इसका नाम क्या है, पीयू जोशी। इसका नाम क्या है, अपना नाम तो बता इधर, पीयू जोशी भाई। आराम से जाना। और जो पहाड़ी शादियां होती है उसमें तो बन ठन के ऐसे आते हैं ना कुछ लोग, उनमें से यहाँ पर दिख रहे हैं ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मतलब पहाड़ की जो शादियां हैं उसमें चार चांद लगाए हुए हैं, और उनके बीच में पता नहीं तो कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं ये सयाने, जिनके सिर में बाल ही नहीं है। धीरे धीरे पैसा ज्यादा कमाते गए और बाल खत्म होते गए। पैसा पैसा ज्यादा कमाने का कारण है, कितना है आपके पास धन। कैसा चिता रहे हो सुबह सुबह? हेलो गाइस, ये कैसा चिता रहे हो? बड़ाले की सुबह है ये, कहते हैं हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल से 9 बजे सूर्य उदय होता है यहाँ, जब सूर्यदेव ये भगवान हमारे लिए जल्दी आ गया था तुमने कही प्रार्थना से, बहुत ही बढ़िया चिता रहे थे। ये हमारी दीदी हैं, कैसा चिता रहे हो आप आज सुबह सुबह? बहुत ही अच्छा, कल डांस भी नजबे को तो खुट पीड़े रहे। गोलगप्पे कैसे लगे? हेलो गाइस, तो आज हम एंकर पेस्ट से टूथब्रश करते हुए आप बहुत दिन के बाद क्या कहते हैं पाठक जी को हमारे, क्या कहते हैं ये एंकर आज बहुत दिन बाद मिले एंकर टूथपेस्ट का ब्रश। तीन जरा इनकी तरफ कैमरा को घुमाइए, एक बार कैमरा घुमाइए इनकी तरफ, वो देखिए ये हमारे पाठक जी एंकर का बिल्कुल झाग निकालते हुए, और वो ये एंकर पेट से पेस्ट से मुंह धोते हुए। हेलो गाइस, आप बहुत दिनों आज तक ये क्लोजर यूज करते थे, आज एंकर मैडम आपको एंकर का पेस्ट यूज करके कैसा लगा, आप इस पेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके टूथपेस्ट में नमक है? सुनिए, दांत दिखा। पाठक जी के YouTube पे जाने का मौका मिला, बोलो ना पहली बार। हाँ, ये क्या कहते हैं अभी अभी मुझे सूचना मिली कि जिस YouTube चैनल को हम कहते हैं आज ये जिसका हम वीडियो बना रहे हैं ये पाठक जी का है,
हमारे पाठक जी को आप लोगों का इतना, हमारे क्या कहते हैं पाठक जी, दीपक पाठक, आप लोगों का इनके कहते हैं यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें शेयर करें अधिक से अधिक, आप खुद भी करें, अपने मित्र लोगों से भी करवाएं, शेयर करें। और क्या कहते हैं, एक बार एंकर टूथपेस्ट से मुंह धोके जरूर दिखाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताना कमेंट में कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। और कभी भी आपके यहाँ बरात हो तो कहते हैं मेरे साली इमली वाला गाना जरूर लगाए। चलो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें। कल रात की उतरी नहीं है दोस्तों। बोतल ही बोतल घुमाए जा रहे थे।